मशरूम क्रेप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 10 मिलीलीटर तेल, 200 मिलीलीटर दूध, नमक स्वाद अनुसार, 100 ग्राम मशरूम, 30 ग्राम कटा प्याज, 10 ग्राम कटा लहसुन, 30 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 2 ग्राम ओरिगैनो, 2 ग्राम सफ़ेद मिर्च पाउडर, 10 ग्राम मोज़रेला चीज़, 2 ग्राम कटा पार्सले, 60 मिलीलीटर क्रीम। तो पहले क्या बनाएंगे इसमें? मशरूम क्रेप के लिए सबसे पहले मुझे क्रेप्स पैनकेक बनाने पहले जरूरी है। अच्छा, उसके अंदर हम मशरूम की स्टफिंग करते हैं, सौते मशरूम सैंड जो भी हो उसकी स्टफिंग बाद में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मैं मिक्सचर तैयार करता हूँ। जी, फाइन फ्लावर मैदा। तो आप पैनकेक बनाएंगे, उसके बाद आप इसमें मशरूम की स्टफिंग करूँगा। मशरूम की स्टफिंग करेंगे तो ठीक है। सॉल्ट लेंगे जी टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा पेपर लेंगे, वाइट पेपर राइट। उसके बाद हम इसमें मिल्क यूज करेंगे। अच्छा, दूध, क्योंकि एगलेस बनाना है मुझे। अगर अच्छा अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंडा नहीं इस्तेमाल करना हो तो दूध इसमें डाल सकते हैं। तो विस्क करेंगे। ऑलिव ऑयल आसपास इसको। अच्छा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल। तो हम जब बनाएंगे तब इसमें हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉनस्टिक है, नॉनस्टिक पैन में कोई ऑयल, इसीलिए हम जानते हैं कि उसमें चिकन में नहीं चाहिए इसमें। जी, इसमें तैयार है पैनकेक रेडी। अब क्या करेंगे शेफ? पैनकेक तो तैयार है, अब इसकी नेक्स्ट इसका मिक्सचर बनाऊंगा मैं। इसकी जो स्टफिंग होती है उसका मिक्सचर मैं बनाता हूँ। ऑयल लिया जी, ओनियन चॉप, ओनियन ओरिगैनो, कम पड़ेगी थोड़ा सा, इसको स्लाइस कर देता हूँ। ठीक, और कुछ डालना है इसमें? इसके बाद अगर चाहो तो आप इसके अंदर थोड़ा चीज यूज कर सकते हो। और ये तो कुछ ऐसा नहीं है, इसमें मैं थोड़ा चॉप पार्सली हम डाल सकते हैं, नमक, सॉल्ट, सीजनिंग कर देंगे इसकी, सॉल्ट, पेपर, वाइट पेपर, तैयार है जी? ये आपका फिलिंग तैयार है, फिलिंग इसकी। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? अगेन द पैन, अगेन, सॉरी, अभी अब है मेन डिश जिसके लिए हमने सारी तैयारी करी। पैनकेक को हाफ कट मार लेंगे। जो हमने मिक्सचर बनाया था अभी, जो स्टफिंग बनाई थी मशरूम की, इसकी वन इसको तो इसमें भी हम चीज़ डाल सकते हैं जब स्टफिंग बना रहे हैं? डाल सकते हैं, है तो ऊपर से भी आप डाल लो। इसके बाद जो अगर हमें इसके बैटर बना हो इसकी, अच्छा, उसी से थोड़ा सा चिपकाने के लिए काम आ सकते हैं। ये तो अभी नई हुई चिपका तो कोई बात नहीं है इसकी, ये तो ऑलरेडी थोड़ा पैनकेक में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, चिपक जाएगा। इसे भी हमें डीप फ्राई करना है? नहीं, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे पैन पे, रोस्ट करेंगे ऐसे। हाँ, ऐसे हम इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। अच्छा,
ग्रिल करने के लिए ग्रिलर पे या जो ग्रिल वाला पैन होता है उस पर भी हो सकता है। ओके, लुक थोड़ा उससे अच्छा लग जाता है देखने में। अच्छा, बस इतना सा ही हल्का सा गोल्डन कलर देना है, क्रिस्प नहीं करना है हमें अच्छे से। ये एक मेन कोर्स डिश है, यानी कि इसे हम एज अ होल मील मान सकते हैं। किसके साथ सर्व करेंगे शेफ जी? एक तो ये जो हमने पेपरिका सॉस बनाई, पेपरिका सॉस के साथ हम इसे जी, और ग्रिल वेजिटेबल्स, ग्रिल वेजिटेबल्स। तो ये मशरूम क्रेप्स भी तैयार हैं, देखते हैं ये हमारी जेब पर कितने भारी पड़ेंगे।